आप सबके साथ अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी ये होती है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिससे उनको कोई फायदा नहीं होता। तो प्लीज कोशिश करें अपना और अपने साथ रहने वाले लोगों का बगैर किसी फायदे बगैर किसी मकसद के बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। और जनाब और हाँ जो लोग नए देखने वाले हैं तो प्लीज अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब हम बढ़ते हैं अपने बहुत ही मजे की रेसिपी की तरफ। एक कप मैंने माश की दाल ली है जिसको उड़द की दाल भी कहा जाता है और ये जो मेरे पास मेजरमेंट वाला कप है ये कप मैंने यूज़ किया है दाल के लिए। दो कप मेरे पास भर के चीनी है। मैं आपको फिर से बताऊंगी मैंने यही वाला कप यूज़ किया है। कुछ मेरे पास इलायची हैं जो मैंने पीस ली थी। लेमन जूस है मेरे पास एक टेबल स्पून और ये मेरे पास हल्दी का रंग है जो इसमें ऐड होगा। इतनी सी बात है जनाब। अब हमने एक जग में अपने ब्लेंडर में किसी में भी आप अपनी दाल डाल लें वो जो माँच की भिगोई हुई थी आपने। पानी हमने इसमें बहुत थोड़ा ऐड करना है। मैं आपको फिर से कह रही हूँ पानी इसमें बहुत कम जाएगा। ठीक है इसको हमने सबको अपने डाल लिया ब्लेंडर में। इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। थोड़ी सी दाल को ब्लेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए हम इसको रुक रुक के देखेंगे। जब जब साथ साथ ये ब्लेंड होती जाएगी इसमें हमें चम्मच मारना पड़ेगा और उसके साथ साथ फिर हमें इसको ब्लेंड करना पड़ेगा लेकिन थोड़े थोड़े वक्फे के साथ। पहले हम इसको 2 मिनट चलाएंगे फिर हम इसको देखेंगे। उसमें अच्छे से चम्मच चला देंगे एक जग के अंदर अपने ब्लेंडर में। फिर इसको हम रुकेंगे फिर 2 मिनट चलाएंगे जब तक कि अच्छी तरह से मैश नहीं हो जाती तब तक इसको हम ब्लेंड करेंगे। ये देखिए ये बहुत अच्छे से हमारा पिस चुका हुआ है। दाल हमारी बहुत पतली नहीं होनी चाहिए जब हम इसको पीसें। ये हमें इतनी ही थिक चाहिए जितनी इस वक्त हमारी थिक हुई है। ये देखिए अगर आपने इसको चेक भी करना है ये देखिए ये बिल्कुल हमारी दाल से पिस चुकी है। इसमें कोई दाना नहीं है कुछ भी नहीं है लेकिन ये इसकी निशानी है। इसके अंदर मैं कलर डालूंगी और आपको दिखाऊंगी इसको हमने बीट कैसे करना। इसके अंदर हम थोड़ा सा ज़रदा रंग शामिल करेंगे। डिपेंड करते हैं अगर आपको कलर थोड़ा डार्क करना है तो आप डार्क कर लें। इसको करने के बाद देखें इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसको हमने कम से कम 5 मिनट तक अच्छी तरह बीट करना है। जितनी हमारी ये पिसी हुई दाल अच्छी फ्लफ़ी होगी हमारी अमृती उतनी ही अच्छी फ्लफ़ी बनेगी। ये एक छोटा सा टिप है इसको ज़रूर आप फॉलो करें। इसको अच्छे से हमने बीट करना है। मुझे यहाँ पर थोड़ा कलर कम लग रहा है मैं इसमें थोड़ा सा कलर और ऐड कर दूँगी और इसको हम अच्छी तरह 5 से 10 मिनट तक खूब बीट करेंगे ताकि ये अच्छी फ्लफ़ी हो जाए। ये हमारी तकरीबन दाल रेडी हो चुकी है। अब हम ऑयल गर्म करते हैं। आपको हम दिखाएंगे ऑयल गर्म करने के साथ साथ कि हमें इसका शुगर सिरप कैसे बनाना है। जी जनाब जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है मैंने शुगर सिरप बनाते हैं एक साइड पे। ये 2 कप चीनी है मेरे पास जो कि मैंने मेल किया हुआ कप था उससे लिए। इसके अंदर 1 कप पानी शामिल करेंगे। ये जो शुगर सिरप है इसको हमने बहुत ज़्यादा 1 ताल या 2 ताल नहीं बनाना बस जैसे शुगर हमारी डिजोल्व होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या करना है। शुगर सिरप हमारी जो बन रहा है चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। इस स्टेज में मैं इसके अंदर इलायची के जो मैंने 5-6 इलायचियाँ ली थी उनको मैंने खुद से कूट लिया था वो डाल दूंगी तो इसके एक अच्छा सा फ्लेवर हो जाता है। चीनी को मैं फिर से कह रही हूँ हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है बहुत 2 तार नहीं करना
थोड़ा सा इसमें यहाँ मैं लेमन जूस डालूंगी इसलिए कि उससे क्रिस्टल्स नहीं बनते। आपने देखा होगा कभी शुगर सिरप बनाओ अगर ठंडा होने के बाद उसके ऊपर क्रिस्टल्स बन जाते हैं, लेमन जूस डालने से होगा कि उसके ऊपर क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। जैसे ही थोड़ा सा बॉयल होगा, बॉयल होने के 2-3 मिनट तक इसको हम पकाएंगे, आपको दिखाती हूँ कि कितना होना चाहिए तो हमारा शुगर सिरप रेडी हो जाएगा। देखिए, और इसमें मैंने थोड़ा सा इसमें फूड कलर डाल दिया, इसको मैं मिक्स करूँगी। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन कौन सी चीजें जो आप घर पे नहीं बना सकते, सब कुछ घर पे बन सकता है, बस थोड़ा सा शौक, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा लगन होना चाहिए। मैंने आपको बताया था मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है मिठाई बनानी। तो ये देखिए, बस हमने इसको जैसे ही बॉयल हुआ 2-3 मिनट पकाना है, हमारा शुगर सिरप रेडी हो जाएगा। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए इसकी मैंने 1 या 2 दानी बनाई, ये बस इतना होना चाहिए कि स्टिक स्टिक के साथ। ये देखिए, ये पर से स्टिक हो रहा है मेरे हाथ पे, हमारा शुगर सिरप रेडी है। इसको हम उतार लेंगे और हम बढ़ते हैं अपने अमृती बनाने की तरफ। अमृती बनाने के लिए जो शुगर सिरप है वो बहुत काउंट करता है कि आपका शुगर सिरप बहुत अच्छे से होना चाहिए, ना ये बहुत थिक हो और ना ये बहुत पतला हो। मैं फिर से आपको कह रही हूँ, अगर आपका शुगर सिरप अच्छे से नहीं बनेगा तो आपकी अमृती बिल्कुल पुसपुसी सी नरम सॉफ्ट हो जाएगी, तो इसलिए शुगर सिरप बहुत काउंट करता है। देखिए इसमें कोई कारोबार नहीं बन रही, कुछ नहीं बन रहा, बस जैसे आपको लगे चिपचिपा हो गया तो हमारा शुगर सिरप रेडी है। इसको हम साइड पे करते हैं और अब हम अमृती पाइपिंग बैग लेंगे। अगर आपको पाइपिंग बैग नहीं है, आप जिप लॉक में डाल बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। या आप पास कोई अगर ऑयल की बॉटल है तो आप उसके अंदर भी बना के इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए वैसे तो आराम से पाइपिंग बैग आजकल हर जगह दस्तियाब है। ये देखिए मैंने इसको खुला दिया, इसको मैं हल्का सा प्रेस करूँगी ताकि जो हमारा मटीरियल है नीचे आ जाए, सख्त है थोड़ा सा। तो ये देखिए इसको यहाँ से हम नेचुरल टाइट से करेंगे बंद। ये देखिए कितनी खूबसूरती शेप आ गई, इसको मैं यहाँ से कट करूंगी और इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। आपको भी दिखा, पहले मैं आपको बना के दिखाती हूँ एक प्लेट पे कि कैसे बनाना है ताकि आपको आसानी से, बहुत मोटा नहीं काट रही, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको यहाँ से काटेंगे और ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ क्या करना है। पहले आपने एक सर्कल बनाना, फिर एक और सर्कल, और यहाँ से साथ किया था इसके साथ साथ ही हमने इस तरह से स्क्रॉल करना शुरू कर देना है इसको बिल्कुल साथ साथ। आप लोग वीडियो थोड़ा बनाएंगे आपका हाथ बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये देखिए मैंने कहा मैं आपको बता के बना के दिखा दूं। अब हम चलते हैं इसको ऑयल में हमने कैसे बना। इसके लिए बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए वरना आपकी ये जो है अमृती बिल्कुल टिकेगी नहीं, ऑयल में ऊपर आती जाएगी, इसलिए ऑयल आपका बहुत ज्यादा इस पर गर्म नहीं हो। ये देखिए आप इसके साथ साथ ही स्क्रॉल करती जाऊंगी। देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल आई है। अभी भी मुझे लगता है मेरा ऑयल थोड़ा सा गर्म था, मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। कोशिश करें इसको हमेशा दरमियान से शुरू करें क्योंकि जब अमृती तैरते तैरते साइड पे चली जाती है तो आप इसको कोशिश करें दरमियान से स्टार्ट करें, बिल्कुल इसके साइडों पे हम इसी तरह से करीब करीब ही। ये देखिए कितनी खूबसूरत और उम्दा शक्ल आई है। और मैंने ये स्टिक ली है, एक लकड़ी की कोई सी वुडन स्टिक ले लें, उसके साथ इसको आप टर्न करें। एक और बना के दिखाऊंगी आपको, ये देखिए। और मैंने बिल्कुल इसके साथ साथ ही फटाफट से करना है आपने काम। ये देखिए कितनी खूबसूरत अमृतियां रेडी हो रही हैं। पिछले दिनों मैंने मुल्तानी सोन हलवा बनाया था, मेरे किसी भाई ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मुल्तानी सोन हलवा घर में बन जाए, तो मैंने उनको बोला कि जो हमारे हलवाई भाई बनाते हैं ये भी हमारी तरह के इंसान है, कौन सी चीजें जो घर में नहीं बन सकती, हर चीज शौक होना चाहिए, हम हर चीज घर में बना सकते हैं। मेरी अम्मी की ये बहुत फेवरेट है, अगर मैं इसमें 3 सर्कल भेज दूं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये देखें जैसे कोई ऐसा इशू नहीं, बिल्कुल ही परेशान होना आपने, जैसे ही जाएगा ऑयल में ये देखें, ये देखिए हमारी इतने में ये वाली अमृतियां रेडी हो रही हैं। लोग जरूर बनाए, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है हर चीज। मैं आपको फिर कहती हूँ बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं होती, हर चीज आप घर में बना सकते हैं। हमारी ये जो 2 अमृतियां ये रेडी हो चुकी हैं। आपने एक और इसकी सिखाऊं आपको मैं, देखें
ये देखें ये कितनी क्रिस्प हो गई है। जब आपको लगे कि आपकी क्रिस्पी क्रिस्पी हो गई, क्रंची हो गई है, तो इसका मतलब आपकी अमृती रेडी है। इसको मैं प्लेट पे निकालती हूँ और इसको फिर हम शीरे में डिप करते जाएंगे। ये देखें, एक सर्कल, दूसरा सर्कल, और जब तीसरा सर्कल लेंगे साथ साथ इसके तेज तेज से मैं इसके साइडों पे स्क्रॉल करनी शुरू कर दूंगी। ये देखिए, जो जो हमारी अमृतियां हो रही हैं, इनको मैंने शीरे में डिप करना शुरू कर दिया है। आप इनको चेक कर सकते हैं कितनी क्रिस्पी क्रंची सी है, ये देखें आपको फील होंगी। अगर आपके पास वुडन स्टिक नहीं है तो इट्स ओके, बिल्कुल परेशान ना हो। कोई भी चीज से आपको कंफर्टेबल फील हो कि आप उसको मूव कर सकते हैं, आप उसे यूज कर सकती हैं। उसको मैं शीरे में डिप कर लिया। ये देखें, इसके अंदर अच्छी तरह शीरा जा चुका है। बहुत ही मजे के हमारी अमृती तैयार है। डिप कर दिए हैं, बहुत ज्यादा डिप नहीं करना आपने, 2 मिनट आई थिंक बहुत है। बस ये अच्छे से ले लें, शुगर सिर्फ ऑफ कर लें, अभी रेडी हो जाएगा। लास्ट हमारे 4-5 अमृतियाँ और रह गई हैं। जैसे ही वो होंगी तो उनको हम शुगर सिरप में डिप करेंगे और हमारे मजे की अमृतियाँ रेडी। ये देखें, मैं आपको फिर एक बार दिखा रही हूँ। इसको मैंने उठाया, इसको आपने हल्का सा प्रेस करके देखना है। अगर आपको लगे कि क्रंची है, नरम नरम नहीं, ये देखें बिल्कुल इस वक्त सख्त है, तो ये इसका मतलब है आपकी अमृती बहुत अच्छी बन गई है। इसको मैं ट्रांसफर करूंगी अपने शुगर सिरप में। चली गई, इसको हमने हल्का सा डिप किया। इसको 2 से 3 मिनट तक मैं शुगर सिरप में रहने दूंगी ताकि इसकी जो पाइप्स हैं उसके अंदर अच्छे से शुगर सिरप चला जाए। इसका टिप यही बता रही हूँ कि जब आप इसको फ्राई कर रहे हैं बिल्कुल परेशान नहीं होना। जब आपको लगे कि ये क्रिस्पी क्रंची होगी, मैंने आपको पहले दिखाया है, हो गया तो समझे रेडी है। अगर आपको लगे ये नरम है तो इसको और फ्राई करना है आपने। बस ये इसका छोटा टिप है और आपके मजे के जनाब, आपके मजे की अमृती रेडी हो जाएगी। कुछ भी इसमें इतना खास लॉजिक नहीं है। मैं देखें इसको चेक करूंगी, आप लोग ध्यान रखिए हाथ ना जले। ये देखिए, बहुत अच्छे से मेरा क्रिस्प हो गया। इसको ट्रांसफर कर दूंगी फिर शुगर सिरप में। साथ ही जो मैंने पहले डाला था इसको मैं निकाल लूंगी और जैसे जैसे इसको हवा लगेगी ये बहुत अच्छा सा क्रिस्पी क्रंची हो जाएगा। अभी उसका भी नहीं कर रहा हमारे आने को मुझे लगता है, इसलिए इसके लिए मैंने वुडन स्टिक यूज किए। ठीक है, इसको प्रेस कर देंगे दोबारा से। तो देखिए जनाब, इसके अपने चांदी के वर्क लगा दिए, थोड़ी सी गार्निशिंग करी, उसकी और खूबसूरती लुक आ जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि बहुत आसान है, कुछ भी इससे मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा सा दाल को पीसने का है, वो भी कोई आजकल मसला नहीं है। आप अपने ब्लेंडर में डालें, बेहतरीन सी आपकी दाल रेडी हो जाएगी। और जो छोटे छोटे टिप है वो मैंने आप लोगों के साथ जरूर शेयर किए हैं, बस उस टेस्ट पे अमल करें और जनाब इस अमृती को एंजॉय करें। और जनाब, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और मुझे भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत अच्छी मजे की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। लेकिन मैं आपको उसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी क्रंची सी हमारी मिठाई है। ये देखिए,
बहुत मजे की मिलती, बिल्कुल जैसे हमारे हलवाई भाई बनाते हैं बिल्कुल उस तरह की, और घर में आप ये बहुत अच्छी साफ रोटी बना सकते हैं। इसको जरूर ट्राई करें, मुझे फीडबैक दें। अल्लाह हाफिज़।